चाहूंगा कि इतने साथ अभी दो चार फिल्में और करेंगे और गॉड ब्लेस हिम। और हम तो अभी तक हितेन को बहुत ही एक अलग तरह के रोल में देखा है, इस फिल्म में आपको जो एक्चुअल है वो दिखाया वो देखेंगे। और साथ में नेहा है, भविता है, बाकी म्यूजिक जो आपने सुना वो म्यूजिक डायरेक्टर है विक्रम खजूरिया, विक्रम का है, बहुत अच्छा म्यूजिक है। पलक मिशाल, मोहम्मद इरफान, लाल जंजुआ सब हमारे प्लेबैक सिंगर्स हैं। और भरत जी हमारे मूवी के बैकबोन हैं, जिनके बिना मूवी बनती नहीं है। संजना अगेन एक टैलेंटेड एक्टर है हमारी फिल्म के अंदर, एक स्पेशल अपीयरेंस है संजना का। राजा का सॉन्ग है हमारी मूवी में बहुत अच्छा, बावड़ी भूज। देवशी हमारी लिरिसिस्ट है, जो गाने आपने सुने वो गाने लिखे हैं देवशी ने। मैं राजपाल जी को देना चाहूंगा। नमस्ते। बाकी प्रोमो तो देख लिया, प्रोमो के साथ में बैकग्राउंड भाई ने बता दी हमारे डायरेक्टर साहब ने। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। कच्ची फिल्म की अच्छी कास्ट क्रू के साथ काम करने का मौका मिला। और एक चीज़ है कि अभी तक हितेन को बहुत टेलीविज़न में बहुत पिछले 10 साल से सबने एंजॉय किया, लेकिन ये फिल्म में हितेन के साथ में हम लोगों की जो एक ट्यूनिंग बनी पूरे इटावा से लेके दिल्ली और हर जगह, तो मैं ये कहूँगा कि हितेन के साथ अभी 2-4 फिल्में और करेंगे हैं और गॉड ब्लेस हिम। और हम तो ये कहेंगे कि TV से अब वेलकम टू आवर फिल्म इंडस्ट्री। और बहुत अच्छा लगा सबके साथ, सबने अपने अपने तरीके। और सचिन का जैसे पराठे वाली गली में, और सचिन ने जिस तरीके से एजुकेशन पाई है, तो एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल और बहुत लेबोरियस और बहुत ही डेडिकेटेड सचिन का थॉट और प्रोसेस है। और इनके इंटरप्रिटेशन को बहुत फॉलो करने मज़ा आया, और कोशिश करेंगे कि ये यहाँ से शुरुआत है, कुछ अच्छे रिजल्ट आपके सामने पेश करें। थैंक यू सो मच। हमने सोचा जीतन बोली। थैंक यू राजपाल भाई, थैंक यू एवरीबडी, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, और आप सब थैंक यू, बारिश के बावजूद आए, थैंक यू वेरी मच। बहुत सही कहा इन्होंने कि TV से एक कोशिश है, पहले भी फिल्म्स की हैं, लेकिन ये एक अलग है। जब हम मिले सचिन जी से, पहली मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि तेरे लिए एक ऐसा रोल है जिसमें तुम्हारी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। मैंने ऐसे क्या करवाने वाले हैं आप मेरे से, प्लीज़ खुल के बताइए। फिर उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, और आउट एंड आउट टोटली हंसी मजाक कॉमेडी, टोटली कॉमेडी। फिर बाद में बताया कि राजपाल जी हैं, सब लोग हैं, तो मैंने बोला ये तो बहुत मज़ा आएगा करने में। वर्कशॉप्स हुए, और उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने बताया था उस हिसाब से पूरी स्टोरी बनी है और लोगों के सामने है। एक अच्छी फिल्म, शॉर्ट एंड स्वीट रोमेडी, मतलब रोम कॉम, तो लोगों को बहुत पसंद आएगी पूरी उम्मीद है। हमने बहुत मेहनत की है, पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आए। तो थैंक यू सो मच राजपाल भाई, थैंक यू, मज़ा आया इनके साथ काम करके, इनफैक्ट सब लोगों के साथ काम करके। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, पहले दिन से ही इतना अच्छा तालमेल बैठ गया हमारा, हो गया कि पता ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हमारी फर्स्ट फिल्म है। एंड एज ही सेड, नॉट द फर्स्ट, डेफिनेटली और भी फिल्में आने बाकी है। तो थैंक यू। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि एक कॉमेडी फिल्म है, और मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके, राजपाल जी के साथ काम करके। आपको हमारी खट्टी मीठी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी स्क्रीन पे, और फुल ऑन धमाल मूवी है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, तो आप ज़रूर जाइए और देखिए थोड़ा लुत्फ, थोड़ा इश्क ऑन 10th हम जुलाई। This is my first film. I'm so happy. I'm so happy to work with Sachin ji and Rajpal Yadav sir and then Hiten Tijwani, because in shooting the spot and Rajpal Yadav sir ne mujhe kafi support kiya. I was so excited to work with him. I'm very big fan of him. So
थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बट काफी इतनी डाउन टू अर्थ एंड काफी सपोर्ट किया. आई वाज सो हैप्पी, आई एम सो लकी टू वर्क विद हिम. एंड गाना बहुत अच्छा है, सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर ममिता शर्मा. एंड हमारा डायरेक्टर जो है बहुत टैलेंटेड है, ये गाने में बहुत सपोर्ट किया मुझे. स्पेशली अकेला मुझे मतलब रिहर्सल में समझाया ये गाना ऐसा है, डू लाइक दिस. आई वाज लिटिल स्कैर्ड बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, आई एम फ्रॉम चेन्नई, सो आई वाज लिटिल स्कैर्ड, बट काफ़ी सबने बहुत सपोर्ट किया. आई एम सो हैप्पी. प्लीज सपोर्ट अस, थिएटर में जाके फिल्म देख के सपोर्ट करें. थैंक यू सो मच.